तो यहाँ पे होम मिनिस्ट्री मतलब क्या, गवर्नर ही होता है? सेक्रेटरी नीचे होता है, फिर उसके बाद एलजी फाइनल। नहीं यहाँ तो कोई मिनिस्टर नहीं होता, एलजी पावर्स है ना यहाँ सारे, यूटी में पावर सारे एलजी एलजी है। कश्मीर वाज कश्यप ऋषि विद आफ्टर दिस ऋषि कश्मीर। तो ईरान से आए थे स्कॉलर्स, देवर बिकॉज कि ये जो नॉलेज है इस वक्त बिकॉज ये इट वॉज देन इजिप्ट से हम तब कहते थे कि ये रूम जहाँ पे ना मतलब जहाँ पे नॉलेज था ये आयुर्वेदास वगैरह इट केम फ्रॉम दिस ग्रीस एथेंस ग्रीस है मतलब दैट वॉज द हब ऑफ द एजुकेशन। जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो वहाँ से आए थे और जो ये थे सेन इन हिंदू स्कॉलर्स लाइक कश्यप ऋषि वगैरह ये भी आए थे मतलब दे वर बेसिकली आर्यनस। तो ये वेल वर्सड थे और वही आगे आगे चला, दैट इज कश्मीरी पंडित वर वेल ये वेल। First time, sir. I think second time I got again the opportunity to meet you, and also you are one of the second guest from KS, Kashmir Administrative Service. So Jammu Kashmir Administrative Service, sir. Okay, sir. So, agar please aapki ab designation currently bataoge, what the roles you are holding? Presently, I am holding the charge of Deputy Secretary Home. Okay. With the additional charge of Deputy Secretary Vigilance and Deputy Secretary to Chief Secretary Advisor. Okay. Basically, I'm a JKAS Civil Services Officer. So I have been deputed here for 2 years. Okay. Maximum 2 years. Okay. This is your 1 year running? Yeah, yeah. Almost completed. I have completed 1 year. So how's your experience in 1 year? क्या है कि मैं ये बताऊंगा कि एक्सपीरियंस हर एक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वेदर इट इज़ योर ओन डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ योर ओन हैबिटेट, इट इज़ योर ओन क्लाइमेट वेदर, तो फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस एक्सपीरियंस डिफरेंट ही रहती है। तो ये एक सब मतलब दूसरी अब नाउ इट इज़ अ डिफरेंट यूटी, और मैं कभी यहाँ रहा भी नहीं हूँ। तो पहले दिस वाज़ द पार्ट ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ की एक्सपीरियंस डिफरेंट है, नो डाउट हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन इज़, आई एम फ्रॉम कश्मीर,
सिमिलर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, हाँ, तो मतलब कोल्ड है, वो है विंटर, हाँ, है, लेकिन हाँ, फिर भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है यहाँ का, जो हाई आल्टीट्यूड, ऑक्सीजन लेवल, ड्राइनेस, वो जो हमारे वहाँ मतलब ग्रीनरी वो यहाँ नहीं है मतलब वो दिखने को नहीं मिल रही है, और ऑटोमेटिकली तो वो हम पर इफेक्ट कर रहा है, और एक्सपीरियंस भी डिफरेंट है यहाँ पे. वन थिंग आई हैव अंडरस्टूड टॉकिंग टू अदर ब्यूरोक्रेट्स आल्सो कि there's a huge challenge of survival in mean to say this climatic conditions and everything, like people won't understand, I don't know, but we are currently on 15 minus 16 right temperature now. Kam se kam honge abhi bilkul 10 12 to hoga, ha, so survival is a big thing yahan pe. देखिए यहाँ जहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया की सबसे जो बड़ी बात है डाइवर्सिटी, वेदर इट इज़ नॉर्थ ईस्ट, इट इज़ साउथ, इट इज़ एक्सट्रीम नॉर्थ एंड वेदर इट इज़ लद्दाख, तो यहाँ हैबिटेशन है, लोग हैं, तो इनको जो फैसिलिटीज़ देनी है तो उसके लिए मतलब इनको गवर्न भी करना है, इनको जो फैसिलिटीज़ किसी ना किसी को तो आना है, और इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट ऑफ द कंट्री, किसी कोई आर्मी ऑफिसर हैं, कोई सिविलियन है, कोई मिलिट्री है, कोई ये पुलिस का है, तो कोई मतलब एयरफोर्स से है, तो एवरी वन कंट्रीब्यूट्स जस्ट टू मेक द हैबिटेशन पीसफुल एंड एट ईज, उनको किसी चीज़ की तकलीफ ना हो, मतलब वही बेसिकली एक स्टेट का पर्पज़ वही है, वेलफेयर फॉर द पीपल, जिसे हम कहेंगे कि व्हाट वाज द पर्पज़, जो हम कहेंगे कि हम स्टेट का पर्पज़ ही यही है कि ये जो जनता है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, इनको राहत मिलनी चाहिए वन वे और अनदर वे, दैट इज़ द क्रैक्स एंड दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेन मोटो ऑफ द गवर्नमेंट. तो यही वजह है कि सर्वाइवल करना पड़ेगा, चलो मैं एक साल के लिए या हूँ, दो साल के लिए हूँ, वट एवर, तो मैं जाके किसी दूसरे को आना है इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए. यहाँ के लोगों को जो इनको जो मतलब मुश्किलात फेस हो रहे हैं उनको किसी न किसी तरह से ईज आउट करना है. तो होंगे यहाँ जो हमारे यहाँ बहुत ऑफिसर्स हैं, कोई साउथ से हैं, गोवा आपने मिले उससे सॉरी सर, गोवा सर, वी यूज्ड टू कॉल हिम गोवा सर, वेरी फ्रेंडली वन, यस वेरी फ्रेंडली. तो उसने कहा, मैं बड़ा हैरान हो गया जब उसने कहा कि आई हैव नेवर बॉट ए स्वेटर थ्रूआउट माय लाइफ, ही टोल्ड मी हाउ ही कैन सर्वाइव हियर, दैट इज़ अ क्वेश्चन, नो डाउट दैट इज़ अ क्वेश्चन कि वो कैसे सर्वाइव पाएगा, कर पाएगा यहाँ पे. बट वन थिंग इज कि लेकिन बट ही केम हेयर एंड रेडी टू सर्व द कंट्री यस, वो देखना है कि वो आया है या हम बैठा है. कभी जिसने स्वेटर नहीं लगाई होगी तो वो इस -13, -15, -20 में बैठ के यहाँ के लोगों को सर्व कर रहा है. एग्जैक्टली, that should be the motivation of being a citizen. Exactly, that must be. और इस मैं आपको कह रहा हूँ ये कि बहुत सारे सर्विसेज हैं जो लोकल लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, या मतलब कन्फाइंड टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, वट एवर एजुकेशन सेक्टर है या मेडिकल सेक्टर है या कोई और सेक्टर है, मतलब जिनको आउटसाइड स्टेट मतलब जाने का मौका नहीं मिल रहा. सो ट्रू, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द सिविल सर्विसेज के हमें एक मौका मिल रहा है, फ्री में घूमने का मौका, फ्री में या मतलब मेरे अभी कितनी सर्विस होगी, 20 years और वट एवर मोर देन दैट. तो मैं यही कहूँगा कि और मेरे आई एम 2011 बैच जेके एस ऑफिसर, एक 10 साल हो गए, तो 10 साल हो गए सर, मोर देन 10 years. तो 10 साल या 30 साल मेरी सर्विस में, अगर 2 साल मैं ऐसे हार्ड जोन में भी करूँ, मतलब अपने देश के लिए करूँ, तो दैट मुझे लगेगा कि मैंने किया है कुछ. एग्जैक्टली, व्हाट आई एम बीइंग पेड, मतलब थोड़ा तो मुझे उसका अच्छा लगेगा कि मैंने हार्श कंडीशंस में काम किया है अपने देश के लिए. Exactly. वो एक मोटिवेशन होती है, वो कहीं ना कहीं अच्छा, एक जैसे अपने बच्चों के लिए भी एक अच्छा कहने के लिए होता है कि हम
हमने वहाँ जॉब किया, हमने वहाँ सर्व किया। मैंने एक चीज़ और भी नोटिस किया सर आपके बारे में कि आज जैसे अभी आपने हमें वहाँ लेके गए थे पत्थर साहिब। जी सर। लाइक यू कम फ्रॉम कश्मीर एंड यू डोंट फोकस ऑन रिलीजियन बैरियर्स। इसको मैं इसीलिए कनेक्ट कर रहा हूँ सर क्योंकि यू आर इन अ सेक्रेटेरिएट लेवल, तो ये न्यूट्रलिटी सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, अगर बंदा कहीं ना कहीं बायस्ड हो वो सिस्टम में दिक्कत होती है। सो आई हैव फेस दैट थिंग, यू आर वेरी न्यूट्रल ऑन दैट थिंग एंड हम लोग साथ में हलवा खाए एंड यू नो, सो हाउ डू यू सी दिस थिंग ऑन बीइंग ऑन द सिस्टम। ये जो मैं कह रहा हूँ कि रिलीजन जो है, रिलीजन एक पर्सनल ओपिनियन है, ये पर्सनल, ये कौन क्या है, ये एक पर्सनल थिंग है, पर्सनल चीज़ है कि कौन क्या ऑब्जर्व कर रहा है, कौन क्या, ये मतलब कौन किसकी क्या फेथ है। ये एक पर्सनल चीज़ है कि मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू है, वो सिख है, वो इसकी पर्सनल फेथ है। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ में, जो सबसे चीज़ में मानता हूँ, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है ह्यूमैनिटी। एग्जैक्टली, ह्यूमैनिटी। और हर एक रिलीजन में मुझे लगता है कि, लगता क्या है, मैंने भी पढ़ा भी है कि हर एक रिलीजन में कंसेप्ट है कि सबसे अच्छा में से वो लोग हैं जो वन हु सर्व्स द ह्यूमैनिटी। एग्जैक्टली, जो एक दूसरे के काम आए। अदरवाइज देयर इज़ नो बैरियर। ये किसी रिलीजन में नहीं है कि यू हैव टू हेल्प एंड यू हैव टू सर्व द ओनली पर्सन हु इज़ फ्रॉम योर फेथ, हु इज़ फ्रॉम योर सर्कल, हु इज़ फ्रॉम योर विसिनिटी। नो डाउट अलग अलग राइट्स हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, तो बट एक चीज़ है कि ये जो रिलीजन है ये पर्सनल है। मैं क्या ये मतलब फॉलो कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल है, लेकिन जहाँ मेरी सर्विस का ये ताल्लुक है, मुझे सर्विस देनी है लोगों को विदाउट पार्शियल, विदाउट बायसनेस। हाँ, विदाउट बायसनेस, मुझे बायस नहीं होना है कोई भी आए तो। इसलिए मुझे ये नहीं है कि मुझे यहाँ ये गुरुद्वारा साहब है, यहाँ पत्थर साहब के तो ये वो है, ये है। पर्सनली मैं ये फील नहीं कर रहा हूँ, तो होना भी चाहिए कि किसी रिलीजन के अगेंस्ट बायस नहीं होना चाहिए। और यहाँ मॉनेस्ट्रीज पर हम जाते हैं, यहाँ कैलाश जी का मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, जामे मस्जिद है, हम वहाँ जाते हैं, और हमारे हिंदू फ्रेंड्स हैं यहाँ, वो भी आते हैं। तो लेकिन सिविल सर्विस में मुझे नहीं लग रहा है कि इन चीज़ों का ज़्यादा हो रहा है, जो कि दूसरे मतलब बाकी क्लासेस में, बाकी जगहों पे हो रहा है, बाकी फोरम्स में हो रहा है। सिविल सर्विस में ऐसी बात मैंने, मुझे देखने को नहीं मिल रही है। दैट इज़ वाई कि ये जब नेक्स्ट बैच और वो कॉपी करके आगे मतलब फॉरवर्ड होते जा रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं हैं। एंड वी आर ऑल हेयर जस्ट टू सर्व। Exactly. और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्ध, वट एवर हु कम्स टू आवर वे, तो हमें सर्व करना है। एग्जैक्टली, दैट मस्ट बी अ मोटिव ऑफ अ सिविल सर्विस। आई ऑनेस्टली लर्नड वन थिंग फ्रॉम यू फ्रॉम लास्ट टू डेज मीटिंग, की आपकी बातें करने की लिहाज जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। अब लोगों से बात करते हो, मैं वो ग्रैस्प करने की थोड़ा कोशिश कर रहा था। लहजा, हाँ, लहजा जो है बेसिकली हमारी जो वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी J&K की, वो उर्दू है। और कश्मीरी बींग द मुस्लिम मेजॉरिटी, वी थ्रस्ट ऑन द उर्दू। तो मैं उर्दू, हमारा मतलब ऑलमोस्ट ऑल सिविल सर्विसेज ऑफिसर जो हैं J&K के, तो दे आर ऑल उर्दू नोइंग। तो मे बी ये लखनवी तर्ज में जाता होगा। तो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लास्ट के लिए शुक्रिया। ऑलवेज प्लेजर सर। लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यू आर वन ऑफ द सीनियर लेवल ऑफिसर, मतलब डिप्लोमेटिक वे पे मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यू आर एट सेक्रेटेरिएट लेवल पे बहुत सी चीज़ होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, बट इन योर पोजिशन यू नीड टू वेरी काम कम्पोज, यू नो, मैनेजिंग सो मेनी बिग थिंग्स डाउन द लाइन। तो लाइक बींग अ बडिंग एस्पिरेंट, वट विल बी योर टिप्स टू देम, हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ, बिकॉज यू सी द ओवरव्यू ऑफ मेनी थिंग्स बट यू कैनॉट रिस्पॉन्ड एंड यू नीड टू काम योर सेल्फ एंड पुट द पाथ अवे। एक्चुअली माय सजेशन और मेरा यही होगा कि व्हाट वी ऑब्जर्व, जो हमें देखने को मिल रहा है पहली बार, वो वही नहीं होता है। Exactly. उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं। तो बेटर इज़ कि वेट एंड वॉच एंड टेक टाइम टू डिसाइड थिंग्स, डोंट गो मतलब इन हेस्ट। सब्र से काम लो तो बहुत चीज़ें सामने आती हैं, इसके प्रॉस एंड कॉन्स।
तो जब वो सामने आते हैं तो उस चीज़ से पहले एक परफेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वही एक मतलब वेट एंड वॉच इज़ द बेस्ट पॉलिसी टू रीच सर्टन कंक्लूजन फॉर अ कंक्लूजन दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी वेदर इट इज़ योर स्टडी वेदर इट इज़ योर पॉलिसी वेदर इट इज़ योर डिसीजन वॉट एवर एक मतलब एक पॉज लेना होता है थिंक टेक टाइम एंड डिसाइड थिंग्स दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी Thank you so Thank much, you. sir. Learned a lot, and it's a pleasure to grasp so much knowledge from you. You know, behind the lens, कितने बातें. I hope मैं भी ज़िंदगी में कहीं use कर पाऊँ. Thank you. You are always welcome. Anytime. Yes. Thank you. Thank you.